तो हे गाइस वेलकम बैक द नॉलेज एंड क्विज शो। तो आज की वीडियो में टॉपिक होने वाला है तारक मेहता का उल्टा चश्मा ट्रू एंड फॉल्स क्विज। तो आज की वीडियो में आप लोगों से तारक मेहता उल्टा चश्मा शो के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आपको ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना है। एंड स्कोर बोर्ड देख लो, स्कोर बोर्ड के अनुसार आप लोगों को मिलेंगे पॉइंट्स एंड ग्रेड्स। तो चलते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, जेठालाल की दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है। दोस्तों ट्रू या फॉल्स जवाब दो, आपका टाइमर शुरू होता है अभी। गाइस सबका टाइम में होता है दोस्तों, ये है ट्रू जो कि आप लोगों को पता होगा। अगर आपने गैस कर लिया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबीता जी का पूरा नाम बबीता कृष्णन अय्यर है। दोस्तों ट्रू या फॉल्स आप गैस करो, आपका टाइम शुरू होता है अभी। दोस्तों आपका टाइम अप होता है दोस्तों, ये है ट्रू। जैसे कि आप लोगों को पता ही है इसके प्रति का नाम कृष्णन अय्यर है। एंड चलते हमारे इस वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दया बहन जेठालाल की बहन है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। दोस्तों ट्रू या फॉल्स गैस करो, आपका टाइम शुरू होता है अभी। दोस्तों आपका टाइम होता है, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन है, दया बहन जेठालाल की बहन है, तो ये ऑफिशियली फॉल्स है बिकॉज ये है उसकी वाइफ। एंड चलता है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारक मेहता का चरित्र असल में एक पत्रकार है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब है उसका जो चरित्र है असल में एक पत्रकार का है जो कि पढ़ते रहता है लिखते रहता है। दोस्तों ट्रू या फॉल्स गैस करो, आपका टाइम शुरू होता है अभी। गाइस सबका टाइम में होता है दोस्तों, ये है ट्रू बिकॉज दोस्तों ये लेखक के साथ साथ ये पत्रकार भी है जो कि आप लोगों को पता है लिखना और पढ़ना इसको बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपकलाल गड़ा जेठालाल का पिता है। दोस्तों ट्रू या फॉल्स गैस करो, आपका टाइम शुरू होता है अभी। गाइस आपका टाइम होता है दोस्तों, ये है ट्रू बिकॉज चंपकलाल गड़ा जेठालाल के पिता है। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अय्यर एक वैज्ञानिक है यानी कि साइंटिस्ट है। दोस्तों ट्रू या फॉल्स जवाब दो, आपका टाइम शुरू होता है अभी। गाइस आपका टाइम होता है दोस्तों, ये है ट्रू क्योंकि आप लोगों से आते लोगों को पता है। अगर आपको पता है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि मेहता तारक मेहता की बहन है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये है अंजलि मेहता, तारक मेहता की बहन है कि नहीं दोस्तों गैस करो, ट्रू या फॉल्स में जवाब दो, आपका टाइम शुरू होता है अभी। गाइस आपका टाइम होता है दोस्तों, ये है फॉल्स बिकॉज ये अंजलि मेहता तारक मेहता की बहन नहीं, ये है उनकी वाइफ। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, टप्पू सेना में कुल चार सदस्य है, यानी कि जो टप्पू सेना है इनकी उनमें टोटल चार सदस्य है। दोस्तों ट्रू या फॉल्स जवाब दो, आपका टाइम शुरू होता है अभी। गाइस आपका टाइम होता है दोस्तों, ये है फॉल्स बिकॉज ये चार नहीं ये पांच है। फॉल्स गैस किया था तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोपटलाल एक अखबार के रिपोर्टर है। दोस्तों ट्रू या फॉल्स गैस करो, आपका टाइम शुरू होता है अभी। गाइस आपका टाइम होता है दोस्तों, ये है ट्रू बिकॉज ये आपको पता ही होगा ये एक अखबार अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टर है। एंड अगर आपने गैस कर लिया तो कमेंट में अपने स्कोर लिखना मत भूलना। एंड दोस्तों चलते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी आत्माराम भिड़े है जो कि आपको स्क्रीन में दिख रही होगी फोटो। दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी का ये वाला जो है ये सेक्रेटरी है। दोस्तों ट्रू या फॉल्स गैस करो, आपका टाइम शुरू होता है अभी। गाइस सबका टाइम है बताए दोस्तों, ये है ट्रू जो कि आप लोगों को ज्यादातर लोगों को पता होगा बिकॉज आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी है। एंड दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने स्क्रीन पर तो इस वाली वीडियो को नहीं देखा तो दोनों में से किसी एक को क्लिक करो, जाके वॉच करो। एंड या मैं आपको वहीं मिलूंगा।